वेलकम टू मास मीडिया बीदर। आज हम अम्बेडकर सर्कल के पास आए हैं। यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। आज यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस काफ़ी सख्ती के साथ गाड़ियों के मूवमेंट को रोका जा रहा है। कोई गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, आपको कोई इमरजेंसी सर्विस रहने पर ही बाहर निकलें, जैसे कि किराना शॉप, तरकारी और ऐसे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ आते हैं वही दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर पुलिस व्हीकल मूवमेंट को यहाँ से करके यहाँ से भेज रही है। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, यहाँ से गाड़ियों को मूवमेंट करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रिपोर्टर साहब से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर बताएं सर आप कि देखिए यहाँ पर कहीं यहाँ पर सभी दुकानें बंद हैं और लोगों का मूवमेंट भी बंद है। यहाँ पर आना जाने का कोई अगर ज़रूरी है तभी बाहर निकले, मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। सभी गाड़ियों को रोक कर पुलिस चेक कर रही है, अगर गैर ज़रूरी अगर बाहर फिरते हैं तो पुलिस उनकी गाड़ी को सीज कर दे रही है, उसके साथ जुर्माना भी आयद कर रही है। हमारी गुजारिश है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड फिर कर्फ्यू का पालन कीजिए। इमरजेंसी सर्विस के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, हॉस्पिटल के इस हॉस्पिटल और जो भी इमरजेंसी जो सर्विसेज है उन्हीं के काम को अलाउ किया जा रहा है, बाकी कामों को बंद किया जा रहा है।